हेलो दोस्तों, मैं राकेश सिद्धराज अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पूर्वोत्तर भारत के नेशनल पार्क, उसके बाद हमने दक्षिण भारत के नेशनल पार्क के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उत्तर भारत के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बांट बांट के पूरा भारत को बांट बांट के नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ा था नेशनल पार्क के बारे में। पिछला वीडियो में हमने सबसे पहला पहला पार्ट में हम लोग पूर्वोत्तर भारत के नेशनल पार्क पढ़े थे, दूसरा पार्ट में हम लोग ने दक्षिण भारत का नेशनल पार्क पढ़े थे। ठीक है, आज का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उत्तर भारत का नेशनल पार्क पढ़ लेंगे, और जो बच जाएगा वो मध्य का कभी अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तर भारत का नेशनल पार्क, उत्तर भारत का नेशनल पार्क। ठीक है, क्योंकि हम लोग बांट के क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा दिन तक याद रह सके। ठीक है, तो सबसे पहले पुराना पॉइंट पर ही मैं लेकर चलता हूँ कि रायमोना और दिहांग पटकोई सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है, इसलिए 105 से बढ़कर कुल 107 नेशनल पार्क हो गया है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क आप जानते हैं कि जिम कार्बेट है, और सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है, हेमिस। हेमिस कहाँ है, लद्दाख में है, और सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उत्तर भारत का नेशनल पार्क को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समय ज़्यादा ना लेते हैं, तो लद्दाख, लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं कि लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक, आइए, लद्दाख में पढ़े थे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख। लद्दाख में केवल एक नेशनल पार्क है जो कि हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक, चलिए, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। चलिए दूसरा स्टेट चलते हैं, दूसरा स्टेट हम लोग चलेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क हम लोग पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर का आप लोकेशन भी देख लीजिए, एकदम ये मैप ध्यान से देखिएगा कि जम्मू कश्मीर का मैप, मैप में जो हम दिए हैं ओरिजिनल मैप है, नया मैप है, जम्मू कश्मीर इतना ही है, बाकी क्या है, ये लद्दाख है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में हम लोग पढ़ेंगे सिटी फॉरेस्ट, यानी सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क बोलते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर क्योंकि चर्चा में हमेशा रहता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा है दाचीग्राम, ये बहुत बार क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, दाचीग्राम, दाचीग्राम है, दाचीगाम है, जो है याद कर लीजिएगा, दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तीसरा है किश्तवाड़, क्योंकि लड़ाई यहाँ किश्त में होते रहता है, इसलिए आप इससे भी रख सकते हैं किश्तवाड़, किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर में कुल कितने नेशनल पार्क है, तीन नेशनल पार्क है। पहला है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको सिटी फॉरेस्ट के नाम से जानता है। दाचीग्राम एकदम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और किश्तवाड़ भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, क्यों आपको याद रहेगा, क्योंकि वहां लड़ाइयां भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना में किस्त किस्त में होता रहता है, रोज होता है, किस्त किस्त के रूप में होता है, इसलिए किश्तवाड़ ही आपको याद हो जाएगा। दाचीगाम, दाचीगाम एक जगह का नाम है जम्मू कश्मीर में, दाचीगाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक, सलीम अली नेशनल पार्क, तीन नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट स्टेट चलते हैं हम लोग, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश है, जिसको हम एचपी बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में पांच नेशनल पार्क है, और पांचों का पांचों आपको बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए पांचों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, छह नेशनल पार्क है, पांच नहीं, इसको छह लिख लीजिएगा। ठीक है, नंबर एक लिखिए बृहद हिमालय नेशनल पार्क, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, चूंकि पर्वत श्रेणी भी है, मतलब पहाड़ भी है, बृहद हिमालय, इसको नेशनल पार्क भी है।
घोषित किया गया? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय नेशनल पार्क। दूसरा है इंदर किला। क्वेश्चन पूछा जाता है इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क। तीसरा है खीर गंगा, खीर गंगा, खीर गंगा नेशनल पार्क। चौथा है पीन घाटी, पीन घाटी नेशनल पार्क। पांचवा है सीम बाल बारा, सीम बाल बारा, सीम बाल बारा, इस तरह से रटिए, सीम बाल बारा, सीम बाल बारा। सभी का सभी नेशनल पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब एचपी के नेशनल पार्क कौन कौन से है? बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी, सीम बाल बारा। छठा लिख लीजिए, छठा नेशनल पार्क लिख लीजिए। छठा है रोहिला नेशनल पार्क। कहाँ है, कौन है? रोहिला, रोहिला, रोहिला नेशनल पार्क। चलिए ठीक है, तो ये आपने क्या पढ़ा? हिमाचल प्रदेश के कुल नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, कौन कौन सा है? बृहद किला, बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी, सिम्बाल बारा और रोहिला नेशनल पार्क। ये टोटल 6 नेशनल पार्क है जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसको आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और क्वेश्चन अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, आइए उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। चलिए उत्तराखंड, उत्तराखंड के नेशनल पार्क। ठीक, चलिए उत्तराखंड में भी कुल 6 नेशनल पार्क है, याद करते चलिएगा। पहला है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट जानते हैं, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और मजेदार बात यह है कि भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी यही है, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी यही है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी यही है। ठीक, दूसरा, दूसरा लिखे गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री, गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से ही निकलती है, तो इसको याद करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक, तीसरा लिख लीजिए गोविंद पशु विहार, गोविंद, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है, चौथा लिख लीजिए नंदा देवी, क्योंकि नंदा देवी पर्वत यही है, नंदा देवी नेशनल पार्क। सब उत्तराखंड के नेशनल पार्क हम लोग पढ़ रहे हैं, याद करिएगा। राजा जी नेशनल पार्क, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए राजा जी नेशनल पार्क, इसलिए आप याद करिएगा। छठा फूलों की घाटी, छठा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। टोटल 6 नेशनल पार्क है। कौन कौन सा नेशनल पार्क आपको ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है? जिम कार्बेट से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। राजा जी नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इतना तो याद होना चाहिए, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड में है, ये तो ऐसे भी आपको याद है। गंगोत्री उत्तराखंड में ही है, तो ऐसे भी आपको याद है। गोविंद पशु विहार एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फूलों की घाटी, राजा जी नेशनल पार्क और जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये आपको 100% याद होना चाहिए। ठीक, तो उत्तराखंड का भी नेशनल पार्क हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं, उत्तर भारत के नेक्स्ट स्टेट पंजाब। पंजाब में कुल 1 नेशनल पार्क है। देखिए पंजाब में कितने नेशनल पार्क है? हरि के बेटनल नेशनल पार्क। पंजाब, 5 नदियों की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब बोलते हैं। 2 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब बोलते हैं। पंजाब में क्या है? हरिके, हरिके एक बैराज है। ठीक है, हरिके बैराज,
के आसपास का क्षेत्र जो बेट लैंड बन गया है, बेट लैंड मतलब आर्द्र भूमि, हरि के बेट लैंड नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब में कितने नेशनल पार्क है? केवल एक नेशनल पार्क है, हरि के बेट लैंड नेशनल पार्क, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अब हरियाणा चलते हैं। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा के नेशनल पार्क, हरियाणा के नेशनल पार्क, ठीक है। तो हरियाणा का नेशनल पार्क, एक ही स्टेट पढ़ेंगे, सिर्फ हरियाणा पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। हरियाणा में दो नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, कालेश्वर, कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर आपका कोई दोस्त का नाम होगा तो वहां से रट लीजिए कि वो हरियाणा में रहता है, बस, कालेश्वर नेशनल पार्क। दूसरा है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कैसे याद करिएगा? क्योंकि दंगल, सुल्तानपुर फिल्म सुल्तान देखे होंगे, उसमें दंगल का चित्र है, और दंगल हमेशा कहाँ होता है? ज्यादातर हरियाणा में होता है। तो यहां से भी आप याद कर सकते हैं, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो अभी आपने उत्तर भारत के नेशनल पार्क के बारे में पढ़े हैं, उत्तर भारत के नेशनल पार्क में कौन कौन सा स्टेट पढ़ लिए आप लोग? देखिए, आप लोग उत्तर भारत के नेशनल पार्क में यहां तक पढ़ लिए, ये भाग आपने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर समय मिलेगा, फिर हम लोग बीच का मध्यकालीन जो भी स्टेट है उसका नेशनल पार्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेट पढ़े हैं? पहले लद्दाख पढ़े हैं, लद्दाख में कौन सा पढ़े हैं? लद्दाख में एकमात्र नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क पढ़े हैं, जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, जिसको आप सलीम अली नेशनल पार्क बोलते हैं, दाचीग्राम, दाचीग्राम नेशनल पार्क दूसरा था, और तीसरा किश्तवाड़, तीनों का तीनों पूछा जाता है। किश्तवाड़ कैसे याद रहेगा? किश्तवाड़ आपको ऐसे याद रहेगा कि वहाँ किश्त में लड़ाई होती है, जम्मू कश्मीर में किश्त किश्त में लड़ाई होती है, इसलिए किश्तवाड़ नेशनल पार्क वहाँ है। दाचीगाम, दाचीगाम वहाँ का गाँव का नाम रख लीजिए, और कि दाचीगाम, इसलिए दाचीगाम नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क कैसे याद रहेगा? बिरध हिमालय कहाँ है? बिरध हिमालय आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, ये तो याद आपको ऐसे ही हो जाएगा। इंदर किला, इंदर किला रख लीजिएगा, ठीक है, इंदर किला, इंदिरा, इंदिरा कौल से इंदर किला रख लीजिएगा। चलो, इंदिरा कौल चूंकि लद्दाख में है, तो इंदर किला कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। खीर गंगा, गंगा के उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश, इसलिए खीर गंगा आसपास। पीन घाटी, पीन घाटी क्योंकि वहाँ पीन, हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी वैली है, पीन वैली है, तो आपको पीन ये भी याद हो जाएगा। सिम्बाल बारा, सिम्बाल बारा भी नेशनल पार्क है, रोहिला नेशनल पार्क, ये 6 नेशनल पार्क है जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए, उत्तराखंड का नेशनल पार्क बहुत आसान है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, इसमें राजा जी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क और जिम कार्बेट नेशनल पार्क हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। गंगोत्री नेशनल पार्क क्योंकि गंगा गंगोत्री से निकल रही है, जो कि गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में, इसलिए आपको ये भी याद हो जाएगा। नंदा देवी भी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये भी आपको याद हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब, पंजाब में एक नेशनल पार्क है, हरि के बेट लैंड, हरि के बैराज चूंकि है वहाँ, जो साइड में वेटलैंड बन गया है, आर्द्र भूमि बन गया, उसी को भारत सरकार ने नेशनल पार्क घोषित कर दिया है, तो इसलिए पंजाब में हम लोग पढ़ेंगे एक नेशनल पार्क, हरि के नेशनल पार्क। फिर है हरियाणा, हरियाणा में दो नेशनल पार्क है, कालेश्वर, कालेश्वर आपका कोई दोस्त है, हरियाणा में काम करता है, रहता है, जॉब करता है, और दूसरा है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सुल्तान फिल्म से याद रखिएगा, वहाँ दंगल होता है, ठीक है, और दंगल करने वाला लोग कहाँ का है? हरियाणा का रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? वो हरियाणा में है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को जरूर बता दें, शेयर कर दें, ताकि अगर दोस्त भी आपका पढ़े तो उसको भी थोड़ा सा ये ज्ञान हो जाए, और आप एग्जाम में आए तो वो भी बना लें। धन्यवाद, जय हिंद।